मॉर्निंग का टाइम और हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ अपने टेरेस पे और गर्मी काफ़ी पड़ रही है। स्वागत करती हूँ अपने कुकिंग ब्लॉग में। और यहाँ पर देखिए सारे गमले में मुझे पानी भी डालना है। तो देखिए गर्मी में मुझे थोड़ा सा मतलब आसकत भी लगने लगता है, लेकिन पेड़ पौधे में भी जीव होते हैं तो सबको देखना ज़रूरी होता है। और ये मैना देखिए, ये जो है ना मतलब पूजा का किशमिश खाता है, तो ये इतना मतलब इन लोग फैमिली जैसा हो गया है ना, टेरेस भी जाऊंगी तो एकदम आगे पीछे करने लगेगा, क्योंकि अभी मैं पूजा नहीं की हूँ, इन लोगों को किशमिश नहीं मिला है। और साथ में यहाँ पे कौवा भी है, तो मतलब इन लोगों को लग रहा है कि अभी तक खाना नहीं मिला है। तो चलिए, ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है, अच्छा लगता है। और सब गमले में पानी देने के बाद फिर मैं नीचे जाऊंगी नहाने के बाद। फिर आज अमावट की रेसिपी शेयर करूंगी, बहुत ही इजी तरीके से मैं बताऊंगी। और यहाँ पर देखिए ये अदरक का पेड़ है ना, कितना बड़ा हो गया है और मिर्च में भी कितना सारा फूल आने लगे हैं। तो देखिए ये सब में मेहनत करने से फल फूल आते हैं तो अच्छा लगता है। तो चलिए यहाँ पर पानी देने के बाद फिर मैं नहा करके पूजा करके और अमावट की पूरी रेसिपी दिखाती हूँ। बहुत क्वालिटी के मेरे पास मिर्च का पेड़ है, तो मॉर्निंग में ही पानी डाल लेती हूँ, क्योंकि फिर बहुत काफ़ी धूप आ जाता है, नहीं तो फिर मैं बहुत शाम में मतलब 6 से 7 बजे के बीच डालती हूँ पानी। ये देखिए मिर्च में भी छोटे छोटे से बीज आ गए हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है। जर्दालू है। बोला एक कार्बाइड वाला नहीं है, तरकार तो है लेकिन बोला कार्बाइड वाला नहीं दे रहा। ये जर्दालू है ना, ये साइज का जर्दालू है, ये तो मान लो बोला के छोटा छोटा है। और यहाँ पर देखिए ये लीची भी लेकर के आए हैं, आम और लीची। तो देखिए बट सावित्री पूजा है 6 तारीख को, तो हम यहाँ पे डांट भी रहे हैं कि ये सब जो बरसाती फल होता है ना, तो हम लोग बट सावित्री पूजा में चढ़ाते हैं, लेकिन ये जो है ना शाही लीची है। तो देखिए एक चाइनीज़ लीची आता है, एक शाही लीची आता है मुजफ्फरपुर का, तो दोनों में अंतर होता है। शाही लीची बहुत स्वादिष्ट होता है। तो चलिए आज मैं दो तरह से अमावट की रेसिपी बहुत ही इजी तरीके से दिखाऊंगी, बहुत कम अमाउंट में बना रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ बच्चे बड़े हो गए हैं तो उतना कोई नहीं खाता है, तो अपनी बहन के यहाँ जाना है, तो छोटी वाली बहन को अमावट बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा मैं बनाऊँगी। और यहाँ पर कच्चा आम है, तो देख लीजिए कितना बनाना है। बहुत तरीके से अमावट लोग बनाते हैं, लेकिन अब मैं जो एकदम पतले स्लाइस वाला जो अमावट होता है ना, बस वही मैं बना रही हूँ। तो सबसे पहले कच्चे आम को काट करके ना गर्म पानी में मतलब बॉयल कर लेना है, और अच्छी तरह से बॉयल हो जाए उसके बाद इसका पानी निकाल करके ठंडा कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर जब तक ये कच्चा आम बॉयल हो रहा है, तो 2 पके आम का मैं बना रही हूँ। और थोड़ा सा और गर्मी होगा जून में, मैं बहुत अमाउंट में अमावट बना करके रख लेती हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है, थोड़ा सा उसमें और मसाले के साथ बनाऊँगी। आज सिंपल वाला मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए जब तक वो कच्चा आम बॉयल हो रहा है, तो यहाँ पर मैं पका आम भी छील लेती हूँ। और गर्मी तो काफ़ी पड़ रही है, लेकिन गर्मी के सीज़न में ही आम का अमावट बना ले, आम का अचार बनता है, आम का कुच्चा बनता है, बरी तिलौरी, बहुत सारी रेसिपी लोग चाव से बनाते हैं। एक बार मेहनत करते हैं साल भर मतलब अपनी थाली में रेसिपी में स्वाद लेकर के भी खाते हैं। तो चलिए यहाँ पर ये अमावट जो है ना, ऐसे तो हम लोग बाज़ार में खरीद खरीद के खाते थे, लेकिन अब हम लोग घर में बनाने लगे हैं और बनाना बहुत ईजी होता है। तो जब जून आएगा ना, तो मैं पूरे मसाले वाले अमावट की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। एक कमेंट्स आ गया था कि जो कुच्चा का अचार मैं कल रेसिपी शेयर की थी, तो क्या इसमें धूप लगाना ज़रूरी है? तो इसमें कोई धूप लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुच्चा में कोई धूप नहीं लगता है। बनाने के बाद ना एक दिन उसको ज़रूर धूप दिखा दे, तभी आप शीशे के जार में रखें। आम के अचार में थोड़ा सा मतलब धूप में सुखाया जाता है, क्योंकि हम लोग साल भर स्टोर करके रखते हैं। तो देखिए ये आम बॉयल्ड हो गया है, तो चलिए इसका पानी हम निकाल लेते हैं, और जब ठंडा हो जाए तो एकदम पीस लेंगे। लेकिन जब आप मिक्सी में पीसे ना, तो एकदम पानी नहीं डालना है, और पानी डालिएगा ना तो अमावट आपका तैयार नहीं होगा। और एकदम बिना पानी के इसको एकदम फाइन पेस्ट हम तैयार कर लेंगे।
बहुत सारे अचार की रेसिपी देखने के लिए एक बार मेरे प्लेलिस्ट लीनाज किचन में विजिट कर ले। बहुत सारे देसी अचार की भी रेसिपी वहाँ पर मिल जाएगी। मैंने बहुत तरह से देसी अचार की भी रेसिपी शेयर की है। तो यहाँ पर देखिए, कढ़ाई में इसको आम का पल्प को डाल देने के बाद एकदम लगातार हम चलाते रहेंगे, और ध्यान रखें गैस का फ्लेम तेज नहीं हो, और इसको धीमी धीमी आंच पे लगातार हम चलाते रहेंगे। उसके बाद इसमें स्वाद के अनुसार हम चीनी डालेंगे, और चाहे तो आप इसमें बहुत सारे जो अमावट के थोड़ा सा चटपटा बनाना है ना, तो इसमें आप थोड़ा सा काली मिर्च, चाट पाउडर ये सब डाल सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट में वीडियो में दिखाऊंगी कि चटपटा अमावट किस तरह से बनाया जाता है। तो आज मैं सिंपल वाला शेयर कर रही हूँ, और ये देखिए इसमें से बबल्स आने शुरू हो गए हैं। उसके बाद इसमें हम चीनी डाल देंगे 2 बड़े चम्मच, और लगातार चलाते रहेंगे। उसके बाद चाहे तो आप फ्रेश नींबू का रस डालें, और नहीं तो फिर इसमें आप विनेगर भी डाल सकते हैं। तो मैं जब भी अमावट बनाती हूँ तो 1/2 चम्मच जो है ना विनेगर डाल देती हूँ। तो देखिए एकदम बबल्स आने शुरू हो गए हैं, तो ये एकदम परफेक्ट जो है ना, ये अमावट बनने के लिए तैयार है। विनेगर डालने के बाद अब गैस का फ्लेम बंद कर दें, और देखिए मैं मतलब 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा डाली हूँ। और चलिए ये एकदम से बन करके तैयार है, और यहाँ पर जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक चलिए कच्चे आम को भी पीस लेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखें किसी में पानी नहीं डालना है, बिना पानी के ही पीसे, तभी आपका अमावट है ना, दोनों तरह के अमावट बहुत अच्छा परफेक्ट बनेंगे। आम के कच्चे आम की क्वांटिटी मैं कम ले रही हूँ, आपको जितना बनाना है उतना आप बनाएं। तो चलिए कच्चा आम भी जो है वो पिस गया है, तब तक यहाँ थोड़ा सा घी लेकर के हम थाली में चारों तरफ से लगा देंगे। चाहे तो आप तेल भी लगा सकते हैं जिसमें ये चिपके नहीं। और यहाँ पर चलिए सारे ये अमावट को डाल देना है, यानी कि आम के पल्प को, और चारों तरफ से इसको हम फैला देंगे। चाहे तो आप मोटा परत वाला भी बना सकते हैं, और आम की क्वांटिटी ज़्यादा करके, और पूरी अच्छी तरह से चारों तरफ से फैला देंगे। 2 से 3 घंटा धूप, इसमें एकदम कड़ा धूप है अभी, तो एकदम सूख जाएगा। तो चलिए ये उसी कढ़ाई में फिर हम ये कच्चे आम को भी डाल देंगे। तो इसको भी वही प्रोसेस करना है कि जितना मीठा है, तो हम इसमें 1 चम्मच चीनी डालेंगे क्योंकि आम की क्वांटिटी कम है। और थोड़ा सा मैं ग्रीन कलर का फूड कलर डालूंगी जिसमें ये देखने में भी अच्छा लगे। और इसको भी लगातार चलाते हुए एकदम जब इसमें बबल्स आने लगेंगे तभी हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे। और चीनी भी इसमें मैं डाल दी हूँ, थोड़ा सा विनेगर भी डाली हूँ, और 1 पिंच जो है मैं ये फूड कलर डाली हूँ, और इसको भी लगातार चलाते रहेंगे। तो ये बहुत कम क्वांटिटी में है, मैं बार बार यही बात बोल रही हूँ, आप लोगों को लगेगा कि ये बहुत कम है। तो देखिए एकदम पतले स्लाइस वाला है, तो मुझे अच्छा लग रहा था, मुझे लग रहा था मैं बहुत सारे कलर का बनाऊं, और क्योंकि आम कम था, नहीं तो मैं रेड, और ये मेरे पास फूड कलर में रेड भी है, ऑरेंज भी है, तो मुझे लग रहा था सब कलर का मैं बनाऊं, क्योंकि बहन के घर भी जाना है तो बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो नेक्स्ट बार मैं आम ज़्यादा क्वांटिटी में ले करके और सारे कलर का भी बनाऊँगी, तो वो वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो इसको भी इसी तरह से फैला देना है। तो देखिए विंडो से बहुत अच्छी धूप आती है, तो 1 घंटा यहाँ पे धूप लग जाएगा, 2 घंटा टेरेस पे भी धूप लगा दूंगी। उसके बाद देखिए ये एकदम परफेक्ट सूख गया है। अब चलिए इसको हम निकाल लेते हैं, तो नाइफ की मदद से चारों तरफ से हम देखिए ये कट लगा लेंगे। उसके बाद जितना बड़ा साइज में रखना है ना उतना ही आप भी इसे कट लगाएं। तो चलिए ये 3 पार्ट में मैं कट लगा रही हूँ, और बहुत आसानी से निकल जाते हैं, और इसे स्टोर करके आप बहुत दिन तक रख सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और मुझे भी अमावट बहुत पसंद है, आप लोगों में से किसको किसको अमावट पसंद है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी रेसिपी बहुत सिंपल होती है, और बहुत सिंपल मोबाइल से मैं वीडियो शूट करती हूँ, और क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग हैं रेसिपी शूट करते हैं, बहुत सारे कैमरे लगे होते हैं, बहुत सारे लाइटें होती है, तो मेरे पास बहुत सिंपल मोबाइल है, और अपना बस सिंपल किचन से जो भी रेसिपी दिखाती हूँ जिसमें आप लोगों का भर भर के प्यार मिल रहा है, और मुझे उम्मीद है आगे भी मिलता रहेगा। तो चलिए ये अमावट देखिए परफेक्ट बना है कि नहीं, आप लोग ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो चलिए दोनों अमावट को हम इसी तरह से फोल्ड करके, और जितना बड़ा आपको साइज में रखना है उतना ही बड़ा आप बना लें। और यहाँ पर ग्रीन कलर का मेरे पास बस एक ही जो है ना स्लाइस में बना है, तो चलिए ये 4 बन गया है, तो बीच बीच से फिर मैं कट लगा दूंगी। तो चलिए ये सारा निकल गया है। उसके बाद
ये देखिए ये एक ही बना है क्योंकि आम का क्वांटिटी कम था, तो इसको भी मैं 20 से कट लगा दूंगी। जितने भी अमावट है ना, थोड़ा सा छोटे छोटे स्लाइस में कट लगा करके मैं फ्रीज में रख दूंगी, और बहुत अच्छा लगता है। खाना खाने के बाद खाइए, ऐसे भी खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। तो आई होप कि आज की भी रेसिपी आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। मिलती हूँ कल एक अच्छे से रेसिपी के साथ। और आप लोगों को कौन सी रेसिपी देखना है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे और भी सब्जी की भी रेसिपी देखने के लिए फिर से मैं बोलूँगी, एक बार लीनाथ किचन में ज़रूर विजिट कर लें। प्ले लिस्ट में ब्यूटी एंड फैशन देखना चाहते हैं, बहुत सारे मतलब कंटेंट है, तो आप लोग वहां से विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए यहां पर मैं छोटे छोटे स्लाइस में कट लगा करके स्टोर करके रख दूंगी। और चलिए कम क्वांटिटी में दिखाई हूं, तो मिलती हूं कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक।